नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मौसमी। आपको मौसमी स्क्विज़ी में स्वागत है। आज हम बनाएंगे चिकन मोमो। इसके लिए हमने 250 ग्राम चिकन पेस्ट लिया है। एक मीडियम साइज के प्याज को हमने चॉप कर लिया है। एक चम्मच हमने विनेगर लिया है। एक अंडा लिया है हमने। एक चम्मच सोया सॉस लिया है। हमने डार्क सोया सॉस का इस्तेमाल किया है। एक चम्मच बटर लिया है। एक चम्मच हमने ब्लैक पेपर पाउडर लिया है। हाफ चम्मच हमने अदरक लिया है, इसको चॉप कर लिया है। नमक लिया है स्वाद अनुसार। गार्लिक लिया है हमने 1 बड़ा चम्मच। स्प्रिंग अनियन लिया है हमने 1 बड़ा चम्मच। और 1 कप मैदा लिया है। सबसे पहले मैदे का डो लगा लेंगे, इसलिए एक बाउल में मैदा ले लेंगे। इसमें नमक ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे नमक को। अभी थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और मैदे का डो लगा देंगे। हमने मैदे का डो लगा लिया है। मैदे को ढक के 10 मिनट के लिए हम रेस्ट करेंगे। मोमो की स्टफिंग के लिए हम एक बाउल में चिकन पेस्ट ले लेंगे। चिकन पेस्ट को मैरिनेट करेंगे। इसमें लहसुन डाल देंगे। अदरक ले लेंगे। स्प्रिंग अनियन ले लेंगे। प्याज चॉप करके रखे थे वो ले लेंगे। ब्लैक पेपर पाउडर ले लेंगे। इसमें नमक ऐड करेंगे। सोया सॉस ऐड करेंगे। और बटर ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने जो अंडा लिया है उसको भी चिकन में ऐड कर देंगे। इसके भी अच्छे से मिला देंगे। अभी इसमें विनीगर ऐड कर देंगे। सारी चीज़ों को एक साथ अच्छे से मिला के हम इसको 15 मिनट के लिए रख देंगे मैरिनेट करके। मोमो बनाने के लिए हमने मोमो मेकर में पानी लिया है। इसको गर्म होने रख देंगे। इसका ढक्कन लगा देते हैं। मैदे को 10 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। मैदा हमारा सेट हो गया है। इसे छोटा छोटा हम लोइया तोड़ लेंगे। हमने सारे लोइया तोड़ लिए हैं। अभी हाथों में लेके इसको गोल करेंगे। सारे लोइयों को हम गोल कर लेंगे। सारे लोइयों को हमने गोल कर लिया है। अभी हम इसको बेलेंगे। अभी हम एक लोइया लेंगे। इसका सूखा मैदा डस्ट करेंगे। इसको पूरी की तरह हम बेल लेंगे, लेकिन पतला करके बेलेंगे। चिकन की जो स्टफिंग बनाए थे वो इसके ऊपर रखेंगे। 1 चम्मच इसके चारों ओर से हम पानी लगा देंगे तो मोमो अच्छी तरह से सील हो जाएगा। तो स्टीम करने के टाइम वो खुल सकता है। अभी ऐसे फोल्ड करेंगे, प्रेस कर देंगे। अब इसकी इस साइड पे हम पानी लगा देंगे। इसको इसी तरह से मोड़ देंगे। इसको प्लेट में रख देंगे। स्टफिंग ले लेंगे चिकन के, इसमें पानी लगाएंगे।
इसी तरह से फोल्ड करेंगे। एक इसी तरह बनाएंगे मोदक जैसे, इसको भी प्लेट में रख देंगे। इसी तरह से हम सारे मोमो पहले बना लेंगे। हमने सारे मोमो बना लिया है, आज हम दो ही डिज़ाइन का मोमो बनाया है। अब हम मोमो में कर लेंगे, इसमें थोड़ा सा तेल लगा देंगे। अभी जो मोमो बनाए थे इसको रखेंगे। पानी भी बॉयल होना चालू हो गया है, अभी मोमो को स्टीम होने रख देंगे। तो कवर कर देंगे और 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम गैस पे स्टीम कर लेंगे। अभी 10 मिनट हो चुका है, मोमो बन गया है। अभी गैस को बंद कर देते हैं और इसको सर्व कर लेते हैं। चिकन मोमो को हमने चटनी के साथ सर्व किया है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। आपके अनुभव आप मौसमी क्विज़िन में शेयर कर सकते हैं। आपको अगर हमारे आज की रेसिपी अच्छी लगी लाइक करना, और रेसिपी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।